हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, अपना एनवायरमेंटल बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था, जिसके अंदर हमारा ये है लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर जो है वो हम पहले कर चुके हैं। किसी ने अभी तक नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक कम्युनिटी के बारे में। अगर आपको इस लेक्चर के PDF चाहिए तो फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, तो देखते हैं बायोटेक कम्युनिटी के बारे में हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि बायोटेक कम्युनिटी होता क्या है, इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डोमिनेंस क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है और सक्सेशन क्या होता है। देखो, सक्सेशन का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। इसके अंदर ये बाकी सारे पॉइंट इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो देखते हैं फर्स्टली कम्युनिटी क्या होता है। देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिविजुअल होता है, बेसिक यूनिट होता है इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी का। इंडिविजुअल किसको हम बोल रहे थे कि मान लीजिए हम किसी भी सिंगल प्लांट की बात कर रहे हैं, या फिर हम जब किसी भी सिंगल एनिमल की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ एक प्लांट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। और इन्हें इंडिविजुअल के ग्रुप को हम क्या बोल रहे थे, इन्हीं इंडिविजुअल का जब ग्रुप बन गया, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स का ग्रुप बन गया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन। ये ग्रुप क्या होगा, एक ही स्पीसीज का होगा जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, ठीक है। देन बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहती हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ए पॉपुलेशन भी रहती है और बी पॉपुलेशन भी रहती है, सी पॉपुलेशन भी रहती है, ठीक है। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन के ग्रुप को हम कम्युनिटी बोल रहे हैं, ठीक है। इस पॉपुलेशन के ग्रुप को ही हम कम्युनिटी बोलेंगे। आई होप इतना क्लियर रहा होगा गाइस। सो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का जो ग्रुप है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है और आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, उसी को हम कम्युनिटी बोल रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्नेक की कम्युनिटी भी रह रही है, प्लस डॉग की कम्युनिटी भी रह रही है, प्लस कैट की कम्युनिटी, सॉरी स्नेक की पॉपुलेशन भी रह रही है, स्नेक की डॉग की पॉपुलेशन भी है और कैट की पॉपुलेशन भी है, और यहाँ पे ग्रासेज भी है, यानी ग्रासेज का पॉपुलेशन भी है। बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई ये, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन है ये सारी, ये आपस में क्या करती है, इंट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी भी शो करती है, ठीक है। दर हम देखते हैं बायोटिक कम्युनिटी के बारे में। कोई भी एनवायरमेंट है या फिर कोई भी हैबिटेट है, उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो कि क्लोज एसोसिएशन के अंदर रहते हैं और आपस में क्या शो करते हैं, इंटरडिपेंडेंसी शो करते हैं, ठीक है। प्लांट को भाई एनिमल्स की भी जरूरत पड़ती है और एनिमल्स को क्या है, प्लांट्स की भी जरूरत पड़ती है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंसी के लिए डिफरेंट सोर्सेज या फिर डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं जिनके लिए ये डिपेंड कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन का ग्रुप है वो एक्टिवली इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में, और पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, सेवरल स्पीसीज होती हैं। लाइक एक पॉपुलेशन के अंदर तो सेम स्पीसीज होंगी, लेकिन जब बहुत सारी पॉपुलेशन है तो यहाँ पे ये स्पीसीज अलग हो गई इस पॉपुलेशन में, ये वाली पॉपुलेशन है यहाँ की स्पीसीज अलग हो गई, ठीक है। तो सेवरल स्पीसीज हम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉपुलेशन का ग्रुप जो है जो कि एक्टिवली इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी होता है। अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो पॉन्ड कम्युनिटी हो गया, फॉरेस्ट कम्युनिटी हो गया और लेक कम्युनिटी हो गया, ये एग्जाम्पल है बायोटिक कम्युनिटी के। देन हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे प्लांट्स रह रहे हैं, प्लांट्स की डिफरेंट पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही हैं, ठीक है।
प्लांट की डिफरेंट पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है तो इसको हम बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे एनिमल की डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही है तो इस पॉपुलेशन के ग्रुप को बोलेंगे हम एनिमल कम्युनिटी। इसी तरह से एक एरिया है यहाँ पे माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही है तो इसको हम बोल देंगे माइक्रोबियल कम्युनिटी। ठीक है, इसके बेसिक फीचर्स के बारे में हम देखते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। देखो, बायोटिक कम्युनिटी जो है वो सेवरल पॉपुलेशन का ग्रुप है। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, और ये डिपेंड बहुत सारी चीजों के लिए कर सकती है। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी जो है वो स्मॉल हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। स्मॉल हो जाएगी पॉन्ड कम्युनिटी होगी, ग्रास कम्युनिटी होगी। बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। यानी कि ए जो पॉपुलेशन है, बी पॉपुलेशन है, सी पॉपुलेशन है, ए से ये डायरेक्ट, ए और बी आपस में डायरेक्टली कनेक्ट रिलेशन भी रख सकते हैं और इनडायरेक्टली भी रिलेशन रख सकते हैं। ठीक है, ऑल स्पीसीज आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड, यानी कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्या है कि सारी स्पीसीज इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करती। हो सकता है स्पीसीज ए है वो बहुत ज्यादा अबंडेंट हो और स्पीसीज जो है बी है वो लीस्ट अबंडेंट हो, यानी कि उसके नंबर्स जो है वो बहुत कम हो जबकि स्पीसीज ए के जो नंबर है वो सबसे ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक फीचर्स बायोटिक कम्युनिटी के बारे में। देन हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। मेनली हम 5 कैरेक्टर्स देखेंगे बायोटिक कम्युनिटी के, जिसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इंटरडिपेंडेंस का मतलब जो एनिमल है और जो प्लांट है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कम्युनिटी है वो ऐसा नहीं है कि एक रैंडम मिक्सर ऑफ स्पीसीज हो, यानी कि कोई भी स्पीसीज उसके अंदर आ गई और कम्युनिटी बन गई, ऐसा नहीं होगा। लाइक इसके अंदर जो है एनिमल, प्लांट और माइक्रोबियल कम्युनिटी का जो है फंडामेंटल डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर। एनिमल हो गए, प्लांट हो गए और माइक्रोब्स हो गए, ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी शो करते हैं। इन तीनों को ही आपस में एक दूसरे की क्या होती है, जरूरत होती है, और वो जरूरत किस वजह से होती है, उनको न्यूट्रिशन के लिए हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए हो सकती है, या फिर प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे कि जो पॉलिनेशन होता है वो भी डिफरेंट इंसेक्ट के द्वारा होता है कुछ प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए इंटरडिपेंडेंसी हो सकती है। इसके साथ ही साथ इंटरडिपेंडेंसी हो सकती है फूड और सीड्स के डिस्पर्सल के अंदर। ठीक है, ये कुछ थिंग्स है जिनके लिए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कम्युनिटी है उसका एक कैरेक्टर ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे ट्रॉफिक लेवल्स। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इसके अंदर क्या होगा, मेनली 3 ट्रॉफिक लेवल्स पाए जाएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है प्रोड्यूसर, जिसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, प्लांट्स को। देन आता है कंज्यूमर, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। एंड थर्ड जो आ जाता है वो है डीकम्पोजर्स, और डीकम्पोजर्स में क्या आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं। तो ये 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो किसी भी कम्युनिटी के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी लार्ज या टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक कम्युनिटी है, या तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी है या फिर एक्वेटिक कम्युनिटी है, उसके अंदर जो है पॉपुलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा को ऑक्यूपाई करके रखती है, उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई फॉरेस्ट है भाई, इसमें हम वर्टिकली देख रहे हैं, ठीक है,
तो ये वाला जो लेयर है, इस लेयर को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? ट्रीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो बड़े ट्रीज होते हैं उन्होंने इस लेयर को ऑक्यूपाई करके रखा है। देन ये वाला जो लेयर है, यहाँ पे आ जाएंगे श्रब्स, ठीक है। श्रब्स क्या होते हैं? उनसे छोटे होते हैं भाई। और ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर आ जाएंगे हर्ब्स और ग्रासेस, हर्ब्स और ग्रासेस। तो इस तरह से इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को क्या किया हुआ है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा को जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। इस लेयर को ही हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटा बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर रहा होगा। अगर हम एक्वेटिक कम्युनिटी की बात करें, यानी कि हम पोंड कम्युनिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये एक पोंड है, ठीक है। यहाँ पे ये सरफेस एरिया है, ये मिडल एरिया है और ये टॉप एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस ड्वेलर्स होते हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट ड्वेलर्स होते हैं और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, टॉप ड्वेलर्स होंगे, ठीक है। इसको री रिपीट करते हैं। ये वाला पॉइंट का एरिया है, ठीक है। इसको हमने वर्टिकली डिवाइड कर दिया। ये वाला क्या है? बॉटम एरिया है, ठीक है। ये मिडल एरिया है और ये है सरफेस एरिया। इसको हम सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। इस एरिया में क्या होगा? बॉटम ड्वेलर्स रहेंगे, इस एरिया में इंटरमीडिएट ड्वेलर्स रहेंगे और इस एरिया में सरफेस ड्वेलर्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटा को क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ये वाला देखो, फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर ट्री है, कोई भी ट्री है, ठीक है। ये इसका जो स्टीम है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं या फिर कुछ पैरासाइट्स मान सकते हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट नंबर वन, इन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया कि भाई हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पे फीड करेंगे। देन ये लीव्स वाला जो बीच वाला एरिया है, ये यहाँ पे पैरासाइट नंबर टू टाइप के पैरासाइट्स हैं, इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया कि हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पे फीड करेंगे। देन ये टॉप एरिया है, यहाँ पे पैरासाइट नंबर थ्री टाइप की जो पैरासाइट है, इन्होंने ये एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया कि भाई हम यहाँ पे रहेंगे और हम यहीं पे फीड करेंगे। इस तरह से स्ट्रेटा क्या हो गया? थ्री लेयर्स में डिवाइड हो गया और ये क्या कर रहे हैं? इन सारे स्ट्रेटा को एक एक पैरासाइट ने क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। आई होप स्ट्रेटिफिकेशन क्लियर रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है डोमिनेंस का। डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में एक स्पीसीज है, वो अदर स्पीसीज के कंपेरिजन में क्या हो सकती है? डोमिनेंट हो सकती है इन सब के ऊपर, ठीक है। इसी को हम डोमिनेंस बोल रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक स्पीसीज या फिर उससे एक से ज्यादा भी हो सकती है, डोमिनेंट होती हैं किसी और स्पीसीज के कंपेरिजन में। और ये डोमिनेंस क्या हो सकता है? नंबर के बेस पे भी हो सकता है। लाइक हो सकता है स्पीसीज के क्या है, नंबर ज्यादा हो सकता है इसके पास में कुछ ऐसा कैरेक्टर हो, यानी कि स्ट्रांग कैरेक्टर हो, जिसकी वजह से ये बाकी स्पीसीज के कंपेरिजन में ज्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ग्रासलैंड के अंदर ग्रासेस का नंबर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे ग्रासेस ने पूरी एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया और क्या हो गया, मैक्सिमम एरिया को क्या है, ग्रासेस ने ऑक्यूपाई करा हुआ है और यहाँ पे ये क्या है, डोमिनेंट स्पीसीज हो गई। ऐसे ही पाइन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे पाइन जो ट्री होते हैं उनका जो नंबर है, पाइन ट्री का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से पाइन ट्री है वो यहाँ पे एक डोमिनेंट स्पीसीज होगा। फिफ्थ पॉइंट है वैरायटी ऑफ स्पीसीज। कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर हो सकता है एक स्पीसीज या हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज हो, ठीक है। एक दूसरी कम्युनिटी है उसके अंदर हो सकता है भाई स्पीसीज का नंबर कम हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज है और ये वाला कम्युनिटी है, यहाँ पे स्पीसीज का क्या है, नंबर कम है। तो इसी तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से वैरी कर रहे हैं, एक दूसरे से
डिफरेंस शो कर रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा नंबर है स्पीसीज के इस कम्युनिटी के अंदर और यहाँ पे तो बहुत कम स्पीसीज के नंबर हैं। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखो एक कम्युनिटी इज फॉर्म्ड ऑफ मैनी स्पीसीज, एक कम्युनिटी है वो बहुत सारी स्पीसीज से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस या फिर वेरी शो करती है। अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर देखेंगे तो हमारे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसके अंदर तो क्या है भाई स्पीसीज बहुत सारी हैं, भरी पड़ी है स्पीसीज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है यहाँ पे। जबकि अगर हम एक पॉलर कम्युनिटी को देखेंगे, एक पॉलर कम्युनिटी में बहुत ही कम स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्पीसीज है तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर बहुत कम यहाँ पे स्पीसीज है तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी बहुत कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में स्पीसीज के नंबर्स में क्या हो सकता है, वेरी कर सकती है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। देन अपना आता है सक्सेशन। सक्सेशन गाइस, ये वाला जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, इसका समरी देखते हैं कि हमने पूरे लेक्चर में पढ़ा क्या है। ठीक है, एक पेज के अंदर आपको रिवाइज हो जाएगा और समझ आ जाएगा कि हमने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा है। देखो, हमने देखा बायोटिक कम्युनिटी के बारे में, बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर किसी भी एक हैबिटेट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन का जो ग्रुप है, डिफरेंट पॉपुलेशन का जो ग्रुप है जो कि एक्टिवली एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक्टिवली क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोटिक कम्युनिटी कहेंगे। देन हमने क्या देखा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि एनिमल जो है और प्लांट जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी शो करते हैं। वो इंटरडिपेंडेंसी न्यूट्रिशन के लिए हो सकती है, पॉलिनेशन के लिए हो सकती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए हो सकती है, और फूड के डिस्पर्सल और सीड के डिस्पर्सल के लिए ये जो डिपेंडेंसी है वो हो सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने देखा था, फिर सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा कि ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी कम्युनिटी का, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर 3 ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर डिवाइड होती है। एक तो प्रोड्यूसर होगा जिसके अंदर प्लांट आएगा, सेकंड कंज्यूमर होगा जिसके अंदर हम एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं, और थर्ड जो है वो डीकम्पोजर्स होगा जिसके अंदर माइक्रोब्स आ जाएंगे। ठीक है, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं कम्युनिटी के अंदर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। ओके, देन हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा, थर्ड पॉइंट हमने देखा स्ट्रेटिफिकेशन में हमने क्या देखा गाइस कि कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर डिफरेंट जो पॉपुलेशन है या फिर डिफरेंट स्पीसीज जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा को क्या करके रखती है, ऑक्यूपाई करके रखती है। जिसके अंदर हमने एग्जांपल देखा था कि किसी भी फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर ये जो टॉप स्ट्रेटा है इसको किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ट्रीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये वाला जो स्ट्रेटा है इसको श्रब्स ने ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रेटा है इसको किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, ग्रासेस ने। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट स्पीसीज ने डिफरेंट स्ट्रेटा को ऑक्यूपाई करके रखा है, इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोल रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये देखा था, एक्वेटिक का एग्जांपल देखा था कि किसी भी पॉन्ड कम्युनिटी के अंदर, कोई भी पॉन्ड कम्युनिटी है उसके अंदर एक बॉटम एरिया होता है, एक इंटरमीडिएट एरिया होता है, एक सरफेस एरिया होता है। इस सरफेस एरिया के अंदर सरफेस ड्वेलर्स होंगे, इस इंटरमीडिएट एरिया के अंदर इंटरमीडिएट ड्वेलर्स होंगे, और इस बॉटम एरिया के अंदर बॉटम ड्वेलर्स होंगे। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट स्ट्रेटा है और इन डिफरेंट स्ट्रेटा को डिफरेंट स्पीसीज ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। देन हमने फोर्थ पॉइंट देखा था डोमिनेंस का,
फोर्थ पॉइंट जो है वो डोमिनेंस का देखा था। लाइक किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि एक स्पीसीज है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, कुछ स्पीसीज जो है वो बाकी स्पीसीज के कंपैरिजन में, बाकी स्पीसीज के कंपैरिजन में क्या होती है, डोमिनेंट होती है। ठीक है, ये ए स्पीसीज है, इन सारी स्पीसीज पे क्या है, डोमिनेंट है। और ये डोमिनेंट का कारण क्या है कि हो सकता है इसका नंबर ज्यादा हो सकता है इसके पास में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो जिसकी वजह से ये क्या कर रही है, डोमिनेंसी शो कर रही है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर रहा होगा। देन फिफ्थ पॉइंट हमने देखा था कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज, कोई भी कम्युनिटी है उसके दो कम्युनिटी हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, कि दो कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज जो है वो वेरी कर सकती हैं। हमने रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया था और पोलर कम्युनिटी का एग्जांपल लिया था। हमने देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो कम्युनिटी है वहां पे स्पीसीज का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जबकि हमने पोलर स्पीसीज वाले, पोलर कम्युनिटी वाले एरिया में हमने देखा था कि यहाँ पे स्पीसीज बहुत कम है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो ये पांच पॉइंट हमने क्लियर करे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सक्सेशन का जो टॉपिक है वो मैंने बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर रहा होगा गाइस, जो भी पढ़ा वो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।